मोदी के दम से बढ़ सकती है हिंदुस्तान की ग्रोथ। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि मोदी डिविडेंड यानी नरेंद्र मोदी के लीडर में नई हुकूमत बनने से सेंटीमेंट में आए सुधार के कारण हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ साल 2015 से 2016 में बढ़कर 6.5% हो सकती है। मोदी की हुकूमत को पिछली हुकूमत के मुकाबले ज्यादा मार्केट फ्रेंडली माना जा रहा है, इसके चलते बिजनेसमैन का जोश बढ़ सकता है। मंगलयान के सक्सेस के बाद हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़े दूरबीन बनाने जा रहा है। हालांकि इसमें उसके साथ जापान, चीन, कनाडा और अमेरिका भी शामिल है। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 30 मीटर की इस दूरबीन को TMT कहा जा रहा है। नेहरू से इंदिरा गांधी की सालगिरह तक चलेगा स्कूलों में सफाई अभियान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की सालगिरह यानी 2 अक्टूबर के बाद अब नेहरू और इंदिरा गांधी की सालगिरह को भी सफाई अभियान से जोड़ लिया है। मोदी का कहना है कि पंडित नेहरू की सालगिरह यानी 14 नवंबर से लेकर इंदिरा गांधी की सालगिरह 19 नवंबर तक स्कूलों में सफाई अभियान चलेगा। दिमाग का GPS खोजने वाले 3 साइंटिस्ट को इस साल मेडिसिन का नोबेल अवार्ड दिया गया है। इनमें 2 पति पत्नी है। इनकी खोज से दुनिया को यह पता चला कि हमारा ब्रेन आसपास की जगह का मैप किस तरह तैयार करता है और आने जाने का रास्ता कैसे ढूंढता है। नेपाल के पहाड़ी इलाके में एक बस पलटने से 29 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों घायल हो गए हैं। ऑफिसर्स के मुताबिक यह हादसा नेपाल के कैपिटल काठमांडू से करीब 800 किलोमीटर दूर एक डिस्ट्रिक्ट में हुई है। बस में बैठे लोग एक फेस्टिवल में हिस्सा लेने जा रहे थे। फेसबुक ने मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप को खरीद लिया है। यह डील 19 अरब अमेरिकी डॉलर में हुई। फेसबुक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने के साथ साथ चैन कुम व्हाट्सएप के प्रमुख की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। आज से फ्लिपकार्ट पर एप्पल के आईफोन और आईफोन 6 प्लस की फ्री बुकिंग की जा रही है। हिंदुस्तान में एप्पल आईफोन 6 सीरीज की एडवांस बुकिंग आज से शुरू हो रही है। यह फोन हिंदुस्तान में 17 अक्टूबर से मिलने लगेगा। फ्लिपकार्ट ने कमाई का बनाया नया रिकॉर्ड, बेचा 6 अरब 15 करोड़ रुपए का सामान। देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई रिटेल कंपनी फ्लिपकार्ट ने सोमवार को कमाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने दिन शुरू होते ही कई प्रोडक्ट्स पर भारी छूट की पेशकश की थी। इस दौरान वेबसाइट को 1 अरब हिट्स मिले, जबकि 615 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री भी हुई। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी भी अब बन गए हैं फुटबॉल टीम के मालिक। महेंद्र सिंह धोनी बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन के साथ चेन्नई की टीम के को ओनर होंगे। टीम का नाम चेन्नईयन FC है। ये टीम पहले सिर्फ अभिषेक की थी, लेकिन अब धोनी ने भी इसमें हिस्सेदारी खरीद ली है। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत 12 अक्टूबर से कोलकाता में हो रही है। बैंग बैंग ने दुनिया भर में कमाए 176 करोड़। ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की बैंग बैंग जबरदस्त कमाई कर रही है। 140 करोड़ रुपए की बजट से बनी इस फिल्म ने रिलीज के बाद पहले 4 दिनों में दुनिया भर में 176 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इस फिल्म ने हिंदुस्तान में 135 करोड़ और गैर मुल्कों में 41 करोड़ रुपए की कमाई की है।